सो आफ्टर दिस ब्यूटीफुल एडवेंचर अब बारी आ गई है अब जाने की अगली डेस्टिनेशन पे। हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल? तो अगर आप मेरे व्लॉग्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं धर्मशाला में हूँ। धर्मशाला में फिलहाल मैंने सिर्फ पिछले व्लॉग में जो हिल वेंचर्स में बहुत सारा एडवेंचर किया था, बहुत सारा फन किया। अब मैं आपको अपने स्टे पे लेके जाने वाला हूँ। मेरा स्टे एक बहुत ही शानदार जगह पर है, वो सतोबरी पड़ता है, नड्डी के पास में है। मैं आपको उस व्लॉग में नड्डी भी एक्सप्लोर करवा दूंगा और साथ में अपना व्लॉग जो है उसका रूम टूर और पूरी प्रॉपर्टी भी दिखा दूंगा और ये भी बता दूंगा मैंने वो किससे बुक करवाया है। स्टे ट्यून्ड। वो ये समझ लीजिए आपकी जो डल लेक है ना, बिल्कुल डल लेक से आपने नड्डी वाली साइड पे नहीं जाना है, डल लेक से आपने जो है नीचे की साइड को आ जाना है, बस वहीं से डल लेक से ही आगे। एक्चुअली क्या है कि जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ मैंने कहा ना गैलेक्सी, यहाँ पे बिल्कुल ही शांत मस्त वाली जगह, बिल्कुल ही है बिल्कुल ही अलग जगह पे। नीचे आके काफी सारे होटल्स हैं और मुझे नहीं पता था कि नीचे आके इतनी ज्यादा ऑप्शंस है स्टे की यहाँ पे यार, और बड़ी अलग सी जगह है, सेक्लूडेड सी बट प्लेस इज गुड यार, नाइस प्लेस टू स्टे। हाँ जी, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे यार? तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी एक्चुअली। मैंने आपको कहा था कि मेरी जो एक दिन मैं रिलेटिव्स के पास रुका था और उसके अगले दिन मैंने आपको ये बताया था कि मैं अगले दिन जो है वो रुकने वाला हूँ, बट मैं नड्डी के आसपास रुकूंगा। ये जगह सतोबरी है, जो सतोबरी में जहाँ मैं रह रहा हूँ और वो जगह है जिसका नाम है वो है आरोहम है नड्डी धर्मशाला। अगर आप एड्रेस डालेंगे सतोबरी तो आप इजीली पहुँचेंगे। बहुत ही पीस ट्रैंक्विलिटी, फुल ऑन नेचर, आसपास खुला ग्राउंड और ये सब देख रहे हैं। तो मेरे ठीक पीछे प्रॉपर्टी है वो वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। वो प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और मैं आपको पहले बता दूँ, मैं फटाफट से मैंने सोचा प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है तो मैं आपको अपना रूम टूर ज़रूर दूंगा जो मेरा रूम है, और साथ में आसपास नड्डी भी घुमा दूंगा इसके ठीक बाद आपको। तो कन्नू को बहुत ठंड लग रही है एक्चुअली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा ट्रिप है ये जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है, जिनके थ्रू मैं आया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि जिनसे मैंने ट्रिप लिया है, ये पैकेज जो लिया है, तो वो टूर एंड ट्रैवल मतलब कंपनी है। और जो मैं बता दूँ साथ में नूपुर मैम है, जिन्होंने नूपुर जी हैं जिन्होंने ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। शी इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन, आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, वो हर चीज़ बताएंगे आपको, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इतने हेल्पफुल रहेंगे, आपका टूर भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आइटनरी भी बनाएंगे, वो पैकेजेस भी देते हैं, ऑल ओवर इंडिया पैकेजेस देते हैं, कहीं भी चले जाओ बॉस हर चीज़ करवाते हैं वो, साइट सीइंग से लेके सब कुछ। तो मैंने होटल उनसे यहाँ पे लिया, डलहौजी में भी उन्हीं का ही होटल है। मैं आपको साथ में, अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे उनका जो इंस्टाग्राम है वो हैंडल वो दिख रहा होगा आपको, वेकेशन क्लब के नाम से, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप डायरेक्ट उनसे कॉल कीजिए और आपको अमेजिंग डील्स मिलने वाली है। ये है जी सामने आपको दिख रहा हूँ द बैकवुड्स रेस्टोरेंट होगा इनका यहाँ पे, और ये लिखा है सामने आरोहम, ये एंट्री गेट है इनका, दिस इज द एंट्री गेट, और ये है प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी का एक बार आपको सामने से व्यू दिखाता हूँ। ये सामने का व्यू है प्रॉपर्टी का, ये है जी प्रॉपर्टी, और ये देखो क्या सही जगह बनी हुई है, आसपास में खुला ग्राउंड है घूमने के लिए, सही है ना? ये देखो नाइस, पार्किंग एरिया भी काफी है इनके पास। इस रास्ते से अभी हम आए हैं, ये देखो चार्ट पे लग गया है, ये क्या बात है। तो मैं आपको अपना रूम टूर करा देता हूँ एक्चुअली, तो आपको अंदाजा हो जाएगा होटल की प्रॉपर्टी का, वैसे पता लग जाता है कि क्या है। तो लेट्स गो इनसाइड, अंदर आपको ये है मेरा रूम जहाँ मैं नड्डी में स्टे कर रहा हूँ, और ये बंदा बैठा है फोन पे बिजी है, ये देखो दिस इज द रूम, बहुत बढ़िया लाइटिंग के साथ, ट्राई बिलीव होप ड्रीम लिखा हुआ है सामने, आपको इंटीरियर का बढ़िया ध्यान रखा हुआ है, लकड़ी लगी है ऊपर, और बड़ा वार्म सा रूम है क्योंकि सामने का व्यू बड़ा अच्छा है। और ये देखो आप पूरा रूम, ये रूम का व्यू है, उस साइड से भी दिखाता हूँ आपको, इनफैक्ट मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये सामने सुबह उठ के आप चाय यहाँ पीजिए, कॉफ़ी यहाँ पीजिए, अपनी आनंद लीजिए, और ये सामने का व्यू, छोटा सा क्लोजेट भी है, अच्छा ये हो गया आपका ड्रेसिंग टेबल, और ये छोटा सा आपके लिए शू रैक क्लोजेट छोटा सा, जिसमें आप अपनी बेसिक सी चीज़ें तो रख ही सकते हो, क्या बोलते हो। मैंने सोचा रूम टूर देना ज़रूरी, ये वैसे इसका आरोहम रिजॉर्ट्स है बाय आमोद है, इनका मेन्यू कार्ड है, और सामने आपको चाय कॉफ़ी बनाने के लिए ऑलरेडी आपकी इलेक्ट्रिक केटल पड़ी हुई है, आपको एक हीटर मिल रहा है यहाँ पे, ये भी ज़रूरी है भाई क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है। और ये देखिए
ये है जी सामने का व्यू, ये देखो वाह। एक्चुअली इसकी सबसे अच्छी चीज पता क्या लगी मुझे, ये जो विंडोज है ना ग्रैंड वाली, ये बहुत बढ़िया है, क्या बोलते हो ना, सामने का व्यू इतना शानदार है और आगे को कुछ है नहीं, मतलब बना हुआ तो व्यू बहुत शानदार दिख रहा है सामने, वाह बहुत सही बहुत सही। तो बस इसके बाद आपको सिनेमेटिक शॉट्स देता हूँ, आप इंजॉय करो ताकि आपको रूम का अंदाजा हो जाए अच्छे से। वेरी नाइस, ये साथ में ये है आपका बेड विच इज गुड कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा आपको, शांत एकदम पीस नेचर के बीच बना हुआ है, और ऐसा नहीं कि अकेला या डर लगेगा आपको, प्रॉपर्टी बहुत सही जगह बनी है। तो ये है जी यहाँ का बाथरूम, और बाथरूम साइज में अच्छा है और काफी क्लीन है। ये है जी आपका शार एरिया, ये हो गया आपका वॉशरूम, ये देख लो, तसल्ली करो काफी है साइज में और साफ है, क्योंकि आई नो ये भी जरूरी होते हैं। तो एक रूम नीचे है जी इनका, मैं एक रूम आपको और दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए, एक तो मेरा है बट एक रूम ये वाला है सामने। तो एक और रूम है सामने, ये भी एक सुपर डिलक्स कैटेगरी में आते हैं रूम्स एक्चुअली दोनों, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वो भी दिखा दिया जाए। ये देख लीजिए जी, ये सुपर डिलक्स कैटेगरी में ये रूम्स आते हैं, ये देखो सामने रूफ लाइटिंग और बढ़िया लकड़ी वाला रूफ, और ये सामने का बेड, एक टीवी आपको मिल रहा है, ज़रूरी है भाई आपके जूते सामान छोटा मोटा बड़ा कुछ होता है जो रखना होता है आपको, आप खुद लेके आते हैं साथ साथ में। मैं आपको दिखा देता हूँ ये, खोलेंगे तो यहाँ पे व्यू है एक्चुअली वो बहुत शानदार है, यहाँ से कहीं से भी आपको सनराइज और सनसेट है वो बहुत बढ़िया दिखेगा। ये देखिए यहाँ बेड, ये मैंने आपको बता दिया है आपको ड्रेसिंग के लिए, ये सामने आपको इसमें एक ब्लैंकेट है बता दिया मैंने आपको, दो लोगों के लिए बढ़िया सुबह सुबह उठ जाओ यहाँ पे बैठ के बढ़िया अपनी चाय कॉफ़ी इंजॉय करेंगे आप। ये बेड आपका सामने लगा हुआ है ये वाला, और इसके सामने है बिल्कुल ये वाली विंडो, मतलब ओह भाई टीवी लग रहा है ये तो पूरा। मुझे लगता है कि इसको कभी आपको बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सामने वैसे भी कोई नहीं दिख रहा है। ओह यार पूरा टीवी लग रहा है, कितने इंचेस का है ना, एक्सेलेंट व्यू के साथ है ये जगह, ये देखो है ना फैंटास्टिक, क्या बोलते हो। ये ले लो जी व्यू एक बार पूरा रूम का। तो मैं आपको बता दूं इस प्रॉपर्टी को अगर इसी तरह के रूम्स आप इंटरेस्टेड हैं, इसके रेट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने आपको बता दिया वेकेशन क्लब डिस्क्रिप्शन नीचे है, नूपुर जी हैं डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको रूम के रेट्स और ये प्रॉपर्टी के बारे में, और जितनी भी गाइड है आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे जो है वहां पे नंबर आपको दिया गया है। साथ में अगर आपको बढ़िया दोस्तों के साथ आए हैं तो गिटार विटार बजाइए यहाँ पे, ठीक है, और साथ में जो सीटिंग रखी है यहाँ पे वो ऐसे बैठ के बढ़िया बैठ के आप यहाँ पूरा एंजॉय कर सकते हैं, क्या बोलते हो। ये देखो ये जगह खासकर बढ़िया बैठ के, जैसे हिमाचलियों में धाम होती है ना वैसे लग जाएगी धाम यहाँ आपको, बहुत सही लगा। तो मैंने सोचा यार बाहर चलने से पहले क्यों ना कुछ खा लिया जाए पहले गर्मा गर्म, तो अभी मन कर रहा है कि कुछ हैवी खा लिया जाए, क्योंकि फिर पता नहीं होता शाम को कहाँ होंगे क्या नहीं होंगे। तो फिलहाल हमारे लिए सब वो है दाल राइस मंगाया था मैंने खुद ही, तो कन्नू कहता मैं वही खाता हूँ, मतलब रादर देन ईटिंग चाइनीज एंड यो चाइनीज़ और ये सब, तो अभी भूख लगी है तो सोच रहे हैं क्यों ना फटाफट देर को गर्मा गर्म बाहर आ रही है बड़े दाल राइस खाते हैं और फिर चलते हैं बाहर आपको नड्डी लेके।
ये आ गई जी हमारी दाल, और ये सामने कन्नू सर्व कर रहा है मुझे भी। वेलकम टू डल लेक। क्या वो डल लेक में बड़ी भीड़ है, क्या हुआ? क्रेज, ऐसा लग रहा था शूटिंग चल रही है ना। बताओ भाई, क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट फीवर इज ऑन। ठंड में डल लेक के पास तो गाइस ये नड्डी है, और होटेल्स की लाइन है नड्डी में, आते ही ऊपर जब आप आएंगे तो इस लाइन से गुजर रहे हैं आप यहाँ पे, और होटेल्स ही होटेल्स दिखेंगे आपको यहाँ पे। तो गाड़ी लाने बेकार है, एक्चुअली थोड़ा कंजेस्टेड है गाड़ी ना, तो गाड़ी वाड़ी लाने से दिक्कत हो जाती है। देखते हैं व्हाट्सएप, मेरे होटल से थोड़ा सा ही ऊपर पड़ता है नड्डी, और जहाँ मैं रुका हूँ आरोहम में, और मैंने सोचा क्यों ना आपको नड्डी का एक वॉकराउंड दे दिया जाए कि नड्डी में क्या है और क्या कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं और कैसा है। उसके बाद आसपास आपको नड्डी दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तो उससे थोड़ा और डेवलप हो गया है नड्डी, तो एक बार ये नड्डी घूम लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको एक देखते हैं कि और क्या है यहाँ पर करने को। तो बेसिकली ये नड्डी है, और यहाँ पर आपको जब जैसे ही पहुँचेंगे नड्डी में, तो आपको मेरे हिसाब से नड्डी भी एक रहने के लिए बहुत आइडियल स्पॉट है, और यहाँ आसपास आपको होटल्स दिखेंगे, एक मंदिर दिखेगा, और साथ में ये बस छोटी सी दुकान है, यहाँ पार्किंग है जो कि मुझे थोड़ी कंजेस्टेड लग रही है, और सामने आपको यहाँ पे व्यू सनराइज़ कैफ़े है। एक्चुअली बोलते हैं इधर को एक पॉइंट है देखने वाला जो आप जा सकते हैं जहाँ पे, तो मैंने काफ़ी पहले मैं यहीं आया था, बट शायद उस टाइम बर्फ़ थी, तो चलते चलते मैं फटाफट से आपको यहाँ लेके जाता हूँ। और मार्केट का ठंड है एक्चुअली यहाँ पे अभी। चलो मम्मी आप, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ना आपको कि मैं बाइक पे आया था, तो पिज़्ज़ेरिया इन्हें खुला है नड्डी बेकर्स, तो मैंने आपको कहा था कि मैं पहले जो आया था उस समय, अभी बाइक पे आया हूँ, तो बाइक पे यार भाई गज़ब ठंड है, बाइक पे अभी भी गज़ब ठंड है अभी भी। ये देखो यहाँ की मार्केट, वहाँ इतनी हाइट पे मार्केट कितनी सुंदर लग रही है। नड्डी, नड्डी मैक्लोडगंज, अगर आपको स्टिकर्स लेके जाने हो गाड़ी के लिए। बेसिकली मैंने देखा कि यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि मतलब इतनी हाइट पे रहने का अपना ही मज़ा है, जस्ट बिकॉज कि अब आप सोचोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की बर्फ़ है यहाँ पे, काफ़ी सारे यहाँ पे होम स्टेज रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं नीचे नीचे, मेरे ख्याल वही है वो जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है ड्राइविंग नहीं भी सारा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो व्यू काफ़ी फैंटास्टिक आ रहा है सामने से, यही है यहाँ पे, ये सामने अगर आप देखेंगे ये बस इस तरह का रास्ता है। यहाँ के कुछ मैगी पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको शायद मोमोज और मैगी तो मिली जाएगी, ये पक्का है। दूरबीन लगी है भाई जी, दूरबीन जहाँ से आपको हम शोर है कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिखाते होंगे। एक वॉक अराउंड दे रहा हूँ फटाफट अपने होटल के साथ आपको, कि जब आप इस साइड रुकेंगे तो आपको सनराइज़ के टाइम आओगे ना, बहुत गज़ब लगने वाला है आपको, वो नीचे खट काफ़ी नीचे जाके वो पहाड़ी भरी हुई सुंदर व्यू सुंदर है यहाँ से। यहाँ लिखा है वेयर देयर इज लव अ लिटिल स्पेस कैन ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ हार्ट्स। अच्छा बस इसी तरह का बोलते हैं कि ये पॉइंट है, जैसे आप इससे आगे जाते हैं और वॉक करते हुए जाइए आगे, और आगे पहाड़ी का व्यू दिखेगा खूबसूरत सा आपको बस, एंड यू कैन कम बैक, दिस इज नड्डी। अभी एक चीज़ का डिफरेंस जो यहाँ पे आया है जब कुछ साल पहले मैं आया था, वो ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स जो है आस पास छोटे छोटे आसपास बना दी गई हैं, और बस
यू कैन नॉट हैव जॉय विदाउट लव, लव गिव्स जॉय, सो कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग. ये सीटिंग के बहुत बड़े बना रहा है, ये बहुत ज़्यादा ठंड लग जाए यहाँ पे, तो कैब स्कूप्स लेनी है क्योंकि ठंड लगी रही है लिटरली मुझे भी. सॉरी आई एम ट्रांसफॉर्म जस्ट बिकॉज मेरा हेयर थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट यहाँ ये बोलते हैं कि यहाँ जब आप पहुँच जाएंगे तो एक स्कूल है वहाँ पे, उसका गेट बंद है तो आगे जाने नहीं दे रहे, बस यहाँ तक वॉक लीजिए आप. पाइन देवदार के ट्रीज हैं आसपास जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं आसपास के वेदर को, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पे, यही है. बट मैं इतना जानता हूँ कि नड्डी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्यों आए. नड्डी में पीस बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको. खड्ड नीचे बह रही है, उसके पानी की आवाज़ मुझे आ रही है, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं. बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, पीस और बहुत ही फ्रेश एयर है क्योंकि हाइट पे और मतलब शांति से अलग सी जगह पे रहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जगह देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है. मतलब नेचर के बीच और शांति, ये गारंटीड आपको मिलेगी. तो इधर भी अगर आप सामने को जाएंगे, तो ये सामने जो आपको दिख रहा है वक्रतुंड होटल जो है, इसके सामने से जब आप चलेंगे तो इधर को भी एक सनसेट पॉइंट पड़ता है, उस साइड को तो छाँव हो गई है, बट प्रॉपर्टीज़ काफ़ी देखी मैंने यहाँ पे, काफ़ी सारी बन गई. इनफैक्ट ये वाली नहीं लगती है मेरे को, बट जहाँ मैं रुका हूँ वो मुझे बहुत आइडियल और बहुत सही लगी. तो वैसे मैं आपको ये देखो, बस दो मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे अभी हम, जहाँ से आपको परफेक्ट व्यू दिखेगा नड्डी का, शानदार वाला. जस्ट होल्ड ऑन. ये व्यू जिसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ से जो आपको सनसेट दिखता है बहुत ही सही है. यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है इस एरिया में भी, बट अभी तो बिल्कुल नहीं बची है. बट जो फिलहाल व्यू सामने का दिख रहा है सन फुल पावर में अपनी, तो बहुत सही आ रहा है, गजब का व्यू है. अभी इन्होंने ये बना दिया सनसेट पॉइंट जहाँ से आपको सनसेट, और ये भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं यहाँ पे, बन रहा है कुछ ना कुछ अब, वरना पहले बड़ा खुला व्यू दिखता था यहाँ से, बट अभी काफ़ी मेरे यहाँ होटल वगैरह ही बन रहा है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई यहाँ पे अब जहाँ से व्यू दिखता है अच्छा आपको. तो ये पीछे जो है वो सनसेट पॉइंट है, ये पीछे मतलब यहाँ से आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले जा सकते हैं पीछे, और पीछे एंजॉय कर सकते हैं जाके, तो मैगी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं जो मोस्टली यहाँ पे टूरिस्ट कर रहा है. अब यहाँ शॉप्स भी थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं पहले से, तो यही सब है फिलहाल यहाँ पे, और बस यही नड्डी है. ब्यूटी लवर्स के लिए ट्रीट है, शांति वाले मतलब जो थोड़ा पीस चाह रहे हैं, ब्यूटी चाह रहे हैं, सनसेट थोड़ा अच्छा है. बाकी हर जगह अब आपको पता है कमर्शलाइजेशन हो गई है, तो भीड़ रश तो अब ऑब्वियसली होता ही है. तो बस फिलहाल के लिए तो यही है यार, चलें फिर. चलिए, छोटा सा व्लॉग था एक होटल के साथ क्लब किया मैंने, कि मैं आपको दिखाएं आसपास क्या क्या है जो किया जा सकता है. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. तो बस यही है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं बस होटल से भरी हुई लाइंस है यहाँ पे. सो अभी के लिए चलते नीचे, ठंड हो गई है, सोते हैं रूम में क्योंकि सुबह जल्दी डलहौजी निकलना है 6:30 या 7 बजे तक. अब एक अननोन सी अनएक्सप्लोर्ड सी प्लेस पे जाने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. हाँ यार मेरी गलती है, पर एक बाबू लो कन्नू. चलिए जी फिर जाते जाते व्यू है ये आपको है कभी नहीं. नड्डी है, चलिए जी बाय बाय नड्डी. जा रहे हैं वापस होटल की तरफ अपने, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है मामा, बहुत ठंड है. कन्नू की तो हालत खराब हो गई है, ये होता है बाइक पे घूमने का. आहा हा.